सुपरस्टार महेश बाबू की मूवी महारिषि के बिहाइंड द सीन और इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। हेलो गाइज, मेरा नाम है आदित्य एंड स्वागत करता हूँ आपका माय ट्रेंड्स में। महारिषि मूवी का यह लोकेशन अमेरिका की है। मूवी में कुछ आपको ऐसा सीन दिखाया जाएगा, ऋषि यानी महेश बाबू ओरिजिन कंपनी में जॉब करने जाते हैं। यह उसी समय का BTS है। यह बिल्डिंग रियल है बट आपको यहाँ कुछ विजुअल इफेक्ट्स दिखाई देंगे। मूवी को रियलिस्टिक टच देने के लिए ओरिजिनल हेलीकॉप्टर मंगवाए गए थे। हेलीकॉप्टर के विंग्स चलाए नहीं गए थे क्योंकि इससे शूटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, लेकिन बाद में VFX के जरिए इसे चलते हुए दिखाया गया था ताकि मूवी को रियल टच मिले। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे आराम से शूटिंग हो जाए और रियलिस्टिक भी लगे। आप यह लोकेशन देखो, मूवी में प्राइवेट जेट दिखाया तो गया है एंड यह रियल भी है, बट प्लेन के उड़ते हुए सीन को शूट करने के लिए उस प्लेन पर कैमरे नहीं लगाए गए थे क्योंकि ऐसा करना संभव भी नहीं है। इसीलिए खड़ी प्लेन पर मूवी की शूटिंग कर ली गई थी और उड़ते हुए एरोप्लेन को CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के माध्यम से तैयार किया गया, जो कुछ आपको मूवी में ऐसा दिखेगा। यह लोकेशन अमेरिका की है। यह उस समय शूट किया गया था जब महेश बाबू को ओरिजिन कंपनी में CEO का पोस्ट मिलता है। यह सीन इंडिया में ही शूट की गई थी जब महेश बाबू अपनी माँ से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमें न्यूयॉर्क दिखाई देता है जिससे लोकेशन न्यूयॉर्क का लग सके। यह लोकेशन ग्रीन बैकग्राउंड में शूट किया गया था एंड यह इंडिया में तो ऑब्वियसली शूट ही किया गया। महर्षि मूवी का मेन शूटिंग लोकेशन रामावरम विलेज है, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। दरअसल मूवी में दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स ने इस शूटिंग लोकेशन यानी इस गांव को तैयार किया था, जो कि आपको रमोजी फिल्म सिटी के अंदर मिल जाएगी। आपको बता दें कि रमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में है। सैकड़ों एकड़ में फैला यह फिल्म सिटी मुंबई के फिल्म सिटी को टक्कर देती है एंड यही साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में भी शूट हुई है। रामावरम विलेज को कुछ इस तरह से तैयार किया गया है और यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ VFX भी यूज किए गए ताकि विलेज को डेंस दिखाया जा सके। महर्षि मूवी 2019 को रिलीज हुई थी, जो तेलुगु भाषा में बनी है। इस फिल्म का स्पॉइलर मैं नहीं बनूंगा बिकॉज इसके हिंदी वर्जन पर काम चल रहा है, जो इसी ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। वामिसी पैडी पल्ली साहब का बेहतरीन निर्देशक है इस मूवी में और DSP साहब का म्यूजिक एंड पूजा हेगड़े और महेश बाबू की बेहतरीन लव स्टोरी मूवी में आपको देखने को मिलेगी। KU मोहनन ने महर्षि मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है एंड उनका जो वर्क है वह काफ़ी कमाल का है। इस मूवी को देखने पर आपको वाकई उनका रियल टच देखने को मिलेगा इसमें। मूवी में कॉलेज का सीन भी दिखाया गया है जहां पूजा हेगड़े और महेश बाबू की लव स्टोरी दिखती है। यह लोकेशन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद कॉलेज में शूट किया गया था, जो कि देहरादून में है। इस कॉलेज में और भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है जिसमें एक नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर का भी है। पहली वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें वरुण धवन है। रामावरम विलेज का यह लोकेशन है एंड जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं कि मूवी में रियल हेलीकॉप्टर यूज हुए हैं, तो यह उसी सीक्वेंस का BTS है। इस सीन में महेश बाबू अपनी हेलीकॉप्टर से गांव आते हैं। एक्चुअली महेश बाबू गांव इसलिए आते हैं जिससे वह फार्मिंग करे। मूवी का यह एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो किसानों के लिए पावरफुल सोशल मैसेज देती है। वहीं अगर आप इस मूवी में महेश बाबू का यह वाला स्पीच सुन लोगे तो उनके फैन आप जरूर बन जाओगे।
गांव में बरगद के पेड़ के नीचे जो उन्होंने यहाँ स्पीच दी है, यह रियल लोकेशन पर ही शूट हुआ है। यहाँ पर उन्होंने स्पीच में किसानों के बारे में कुछ बातें कही है। अगर किसान उनकी बातें सुन लेगा तो वह कभी आत्महत्या तो नहीं करेगा। इस मूवी के लीड विलेन विवेक मित्तल है। जब वह ऋषि से मिलने उनके गांव जाते हैं तभी का यह सीन है। मैं आपको बता दूं कि विवेक मित्तल का किरदार जगपति बाबू ने किया है, जो साउथ के नामचीन हस्ती हैं। विवेक मित्तल के जाने के बाद फाइटिंग सीन दिखाए गए हैं। यह एक्शन सीक्वेंस उसी समय का है जब विवेक मित्तल के गुंडे ऋषि पर हमला करते हैं। एंड आप यहाँ पर देख रहे हो इस फाइटिंग सीन का बिहाइंड द सीन, जिसे कुछ इस प्रकार शूट किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि महेश बाबू चैलेंजिंग रोल करने से हिचकते हैं। ऐसा नहीं है कि महेश बाबू को एक्टिंग नहीं आती, बट सेम टाइप की लुक और सेम एक्टिंग की वजह से सेफ मोड में वो चलते हैं। हाँ, यह बात भी सही है कि महेश बाबू के फैंस उन्हें इसी तरह प्रिंस चार्मिंग रोल में देखना पसंद करते हैं। कुछ चीजें सेम दिखने को मिलती है उनकी फिल्मों में, लेकिन महेश बाबू फिल्मों का चुनाव करने में एक्सपर्ट तो है, इसीलिए उनकी हरेक फिल्मों का कॉन्सेप्ट अलग रहता है, जो हमें पावरफुल सोशल मैसेज भी देता है। अगर बात करें उनकी फिल्मों की, तो श्रीमान थुडू मूवी में उन्होंने विलेज एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट दिखाया था, और भारत आने नेनू में वह एक आइडियल चीफ मिनिस्टर बने थे, जो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में हैं। चलो, यह तो हो गई मेरी बातें, बट मैटर आपका ओपिनियन करता है। सो आप हमें बताओ कि आपको महेश बाबू की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी है। हाँ, अगर आप KGF और पुष्पा की बिहाइंड द सीन देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर लो और देख लो। मिलते हैं कमाल की वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।